फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, 7:30 बजे उठी हूँ और मुझे मेरा क्लास 9 बजे था। मैंने फटाफट नहा लिया, अभी फटाफट 5-10 मिनट में मैं तैयार हो जाऊँगी बाल बांधकर, और बैग पैकअप करना, ये लैपटॉप्स वगैरह सब बैग में रखना। ये होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी और 9 बजे तक होपफुली मैं 9 के पहले क्लासरूम में रहूँगी। ब्यूटीफुल सन है। आपने पिछले वीडियो में देखा ही रहेगा कि कितनी भयानक तूफ़ान जैसे बारिश होने वाली थी, और यहाँ पर देखिए सन कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। हाय गाइस, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर यहाँ पे इतना टाइम लगता है कि पूछिए मत, और ऊपर से मैं इतना स्लो खाने वाली लड़की कि सब 3 बाइट खाएंगे तो मैं आधा बाइट खाती रहती हूँ। तो अभी मैं 5 मिनट लेट हूँ लेक्चर के लिए, और वो भी पहला दिन। हाय फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट क्लास हो गया है और बहुत मज़ा आया। मेरे ग्रुप में एक मेंबर थी नेहा नाम की, मैं आपको उससे मिलाती हूँ जब अभी आएगी, वॉशरूम गई है। और हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए, मतलब वो भी बॉम्बे से है, मैं भी बॉम्बे से हूँ। और मैंने 8th and 9th में सिटी एज अ लव प्रोजेक्ट किया था और उसने भी किया था, कोइंसिडेंट। एंड प्लीज़ मुझे बताना अगर आपको सिटी एज अ लव प्रोजेक्ट के बारे में जानना है मेरे, तो मैं वीडियोज़ के लिए बनाऊँगी। बट देखो, ये मेरा टेबल है और वर्क, दिस इज़ माई क्लास रूम। मैंने बोला था ना, मैं एक फ्रेंड को मिलाती जो बॉम्बे से है, तो ये फ्रेंड है नेहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। ऐसा लग रहा है ना कि घर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर सच में। और ये मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं। मैं एक फर्स्ट ईयर थी जब मैं 8th और 9th में थी मैं, बट क्या हुआ उस वक्त इंडियन कैंसिल हो गया था शायद, इसलिए नहीं आ पाई मैं। बट हाँ, एक मीटिंग मैंने अटेंड किया था। क्लास ख़त्म हो गया है और बस मैं अभी ब्रेक ली हूँ। बहुत अच्छा लगा क्लास में यहाँ पर अटेंड करके, बिकॉज़ एक चीज़ था कि जो टॉपिक हमने लिया था स्टडी के लिए वो बहुत रिलेटेड था हमारे मेरे प्रोजेक्ट बेस पर, तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई। और हर एक बार मैं जब मेरे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं हर एक क्लास में। हाय, तो मैं अभी रेक रूम में आ चुकी हूँ और मैं 35 मिनट्स है तो मुझे वेस्ट नहीं करना, तो मैं अभी बस पाइथन का रिफ्रेशमेंट्स करूँगी, बेसिक रिवाइज करूँगी। सी कॉलेज का रेक रूम है जहाँ पर टेबल टेनिस है, 2 टेबल है, एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और यहाँ पर बहुत सारे गेम्स है, कैरम, बैडमिंटन वगैरह। अभी मेरा खाकर हुआ और मेरे पूरे ग्रुप मेंबर्स खाकर चले गए, और बारिश हो रहा है यहाँ पर। और जो मेन इंसिडेंट आज का था, जो D-Mart का इंसिडेंट, वो देखो कैसे जाती हूँ मैं। आज अकेले हो गई हूँ, कोई नहीं है जाने के लिए। बारिश हो रहा है, कितने अच्छे से मैं चल रही हूँ देखो। बस अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। सी डॉगी, हाय डॉगी, हाय डॉगी। ये मेरा पीछा कर रहा है, जैसे जैसे एक स्टेप कर रही वैसे वैसे रख रहा है वो, देखो रुक गया। इसको भी बारिश में भीगने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है मेरे जैसे, इसलिए इतने मज़े से मैं भी चल रही हूँ और वो भी चल रहा है। देख सकते हैं पूरा भीग गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बैंगलोर में पता नहीं मौसम कितने अच्छे से चेंज होता है। इतना गर्मी था अभी 2 सेकेंड के लिए, इतना धूप सर पर था और सडनली बारिश होने लग गया। एक दिन क्या हुआ, मैं घर में आई और फिर मैं की निकालना ही भूल गई, और डोर पर की ऐसे ही लगा रहा 1-2 दिन तक। और मैं दूसरे दिन की ढूंढ रही हूँ कि किधर है की, और की मेरे पास ही नहीं था। फिर मैं देख रही हूँ कि डोर पे क्या तो है ऐसा, और डोर पे लगा हुआ था की। ये जल्दी की निकलता नहीं है। मैं बता रही थी कि आज एक मेन इवेंट होने वाला है, तो मैं आज पहली बार डी-मार्ट जा रही हूँ सरजापुर में, और मुझे सामान लेना है। और मैंने फ्रेंड्स को बोला था अपने कि चल लें, तो वो लोग शायद कोई भी फ्री नहीं है आज। और मैं बहुत दिन से टाल रही हूँ कि कल 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 नहीं, मैं आज जाऊँगी ज़रूर। मैंने लिस्ट भी बना रखा है, बस अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है कि और कुछ लाना है कि नहीं, चेक कर लेती हूँ मैं फटाफट। और फिर 2 बजे निकलते हैं हम लोग फिर डी-मार्ट के लिए। यस गाइस, मैं रेडी हूँ जाने के लिए और मैं बस निकल ही रही हूँ। मेरा पेपर शॉपिंग का जो भी मटेरियल है वो भी रेडी है लिखकर, बस मैं जाना है, जल्दी जाते हैं। बिकॉज ऑलरेडी मैं 5 मिनट लेट हूँ, बस कभी भी जा सकता है। बारिश अभी भी हो रहा है। मैं कोशिश करूँगी अपना काम बहुत जल्दी ख़त्म करके आ जाऊँ। मेरा 2 काम है, पहला मुझे डिपॉजिट करना है बैंक में, और सेकेंड मुझे डी-मार्ट से सामान लेना है। ये मेरा कैंपस है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा। मुझे बॉम्बे से तो बेटर क्लाइमेट लगा है बैंगलोर का। चेकआउट हो गया है। वो आता था हाँ। तब पूरा बेंगलोर घुमाने का प्लान था हमारा हाँ। कैंसल हो गया। देखिए, मैं ट्राई करूँगी ये खोलने का तो ज़रूर खुलेगा तो ज़रूर। बिजली की निकालने की बारी आती है। ओह, निकल गया। वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब निकल गया। वैसे तो निकलती नहीं है, वैसे उसको 10-15 मिनट लगता है निकलने के लिए। भाई गॉड, ये बहुत धोखा देता है। जब मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत फटफट निकल गया। अपनी अच्छाई कर दिया और मेरी हार कर दिया। और देखो, अब मैं इसको बताती बाद में। पहले विज़िट के डी-मार्ट में मैंने ये सब सामान लिया है। झटपट मैं बता देती हूँ। मुझे नोटबुक की ज़रूरत थी, मुझे किशमिश खाना था मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, मैगी बहुत मन कर रहा था, डार्क चॉकलेट जो कि मेरा फेवरेट है, और फिर 2 टी-शर्ट लेना था स्पोर्ट्स के, वो लिए हैं, शैम्पू, सोप्स, एंड देन रबर बैंड नहीं था मेरे पास। फिर मेरा फेवरेट वॉलनट का डेरी मिल्क, एंड ये टॉयलेट क्लीनर्स है। सो ये था। करने आई हूँ तो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है। लकीली मैंने छाता लाया है और आप देख ही सकते हैं कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है तूफान आएगा। मेरा छाता भी स्टिल नहीं हो रहा। वाह, प्लीज कम। हैप्पी बर्थडे। नेहा है और इसका बर्थडे और मैं सोची कल इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।